टू दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं हम? अभी पहले भी हमने डिस्कस किया था कि रिवैल्यूएशन इसलिए की जाती है ताकि जो भी एसेट्स में उनकी वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसको ओल्ड शेयरिंग रेशो में ही डिवाइड किया जाए। यानी कि जितना भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है, यानी कि लाइबिलिटीज़ अगर हमारी घट रही हैं तो उससे क्या हो रहा है, उससे हमारा फ़ायदा हो रहा है। तो फ़ायदा किस तरह से डिवाइड होना चाहिए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड होना चाहिए। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तब भी हमें रिवैल्यू एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को करना होता है। रिवैल्यू कैसे करते हैं हम? रिवैल्यूएशन करने के लिए हमें सबसे पहले एक रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना पड़ता है। उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम सारे जितने भी अगर किसी कोई भी अकाउंट जैसे कि स्टॉक अकाउंट है, अगर उसमें उसकी वैल्यू बढ़ रही है या उसकी वैल्यू घट रही है, अगर उसमें जितनी भी वैल्यूज घटती हैं स्टॉक्स एसेट्स की, जब भी वैल्यू घटती है तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर जाता है, ठीक है। और जब भी रिवैल्यूएशन में अगर जब भी किसी चीज़ की वैल्यू घट किसी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू घटती है तो वो क्रेडिट साइड जाता है। यानी कि जब भी फ़ायदा होता है वो क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन की, जब भी नुकसान होता है वो डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन की। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब कि किस तरह से बिहेव करे, किस तरह से उसमें एंट्रीज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एंट्रीज पास कर सकते हैं, वो सब अब हमें देखनी होगी, ठीक है। सबसे पहले व्हेन एसेट्स आर रिड्यूस्ड, एसेट्स जब हमारे कम होते हैं तो क्या उसकी कैसे एंट्री हम पास करते हैं? एसेट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में मतलब कि जब जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड पर जाते हैं। यहाँ पे एसेट्स का घटना इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएगा। टू, एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि एसेट्स की वैल्यू घटती है, और एसेट्स की जब भी एसेट्स की वैल्यू घटती है वहाँ पे क्या करते हैं, एसेट्स को क्रेडिट करते हैं, और जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है वहाँ पे उसको डेबिट करते हैं। इसका दूसरा अगर हम देखें, व्हेन एसेट्स इंक्रीजेस, तो हमारी क्या एंट्री होगी उस केस में? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि नॉमिनल अकाउंट, और यहाँ पे एक एसेट्स का बढ़ना एक तरह से इनकम एक तरह से मतलब कि गेन शो करता है, और जब भी गेन होता है किसी नॉमिनल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सो दिस इज द एंट्री व्हेन एसेट्स आर इंक्रीजिंग। थर्ड इज व्हेन लाइबिलिटी राइजेस, किसी कारण से हमने अपनी बैलेंस शीट में कोई हमारी लाइबिलिटी है लेकिन उसको हमने पिछले कुछ सालों से लिखा नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी मिस्टेक की वजह से वो अकाउंटिंग की एंट्रीज में ना आए हो, लेकिन अब हमें पता चला कि हमारी कोई लाइबिलिटी है, और जब हमने सबको रीवैल्यू किया तो हमें लगा कि हमारी लाइबिलिटी इतनी नहीं, लाइबिलिटी हमारी ज़्यादा है। उस केस में क्या होगा, ये एक तरह से एक्सपेंस है, तो इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके किसको क्रेडिट करेंगे हम? लाइबिलिटीज़ को। लाइबिलिटीज़ जब भी बढ़ती हैं तो वो क्रेडिट हो जाती हैं, ओके। और सिमिलरली जब हमारी लाइबिलिटीज़ घट जाएंगी तो क्या होगा, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इन चार तरीक़ों से हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो इफ़ेक्ट होता है। और उसके बाद क्या होता है, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है, इसका मतलब कि गेन हमें ज़्यादा हुआ, रिवैल्यू
एसेट्स को लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करने के बाद गेन हमें ज़्यादा हुआ, तो उस प्रॉफिट को, उस गेन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग दी पार्टनर्स इन दी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, व्हेन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज हायर. ठीक, जब क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट की हायर होती है तो क्या करते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इन दी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सिमिलरली जब हमारी डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट की ज़्यादा होती है, इसका मतलब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है, रिवैल्यू जब हमने एसेट्स को लाइबिलिटीज़ को किया तो हमें लॉस ज़्यादा हुआ, तो वो लॉस हम पार्टनर्स को वो लॉस बियर करना पड़ेगा इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. ओके, एक सैंपल देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा दिखता है. हम इस तरह से एक अकाउंट बनाते हैं. यहाँ पे अमाउंट डालते हैं, पार्टिकुलर्स, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, जब भी हमारी एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो टू एसेट्स, यानी कि एसेट्स की वैल्यू घटी, एसेट्स हमारे कम हुए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर वो आ जाएंगे, या फिर जब हमारी लाइबिलिटीज बढ़े टू लाइबिलिटीज, इट इज, यानी कि एसेट्स अकाउंट हमारे डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज करी है. ठीक है, इस केस, इस साइड क्या आएंगे, जब हमारे एसेट्स राइज करेंगे, बाय एसेट्स अकाउंट ठीक है, और यहाँ पे जब लाइबिलिटीज हमारी डिक्रीज करेंगे, बाय लाइबिलिटीज. ठीक है, दिस इज द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. अगर हमारी ये वाली साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग दी पार्टनर्स, यानी कि जो हमें गेन होगा या जो प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, अगर हमें यहाँ पे हमारा हुआ प्रॉफिट गेन, अगर हमारा यहाँ पे ये वाली साइड ज़्यादा हो, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हमारी ज़्यादा हो, तो यहाँ पे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड ट्रांसफर द प्रॉफिट और लॉस वट एवर इट इज अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब हम एक क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन गिवन है, देख रहे हैं आप, इसमें हमें ये दे रखा बैलेंस शीट ऑफ कंपनी दे रखी है, बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बैलेंस शीट ऑफ लेट्स से एक्स वाई जेड फर्म. ठीक है, इसमें हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे 24,000, जनरल रिजर्व 36,000. ये तीन पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, जिनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:3:2. ये इनके कैपिटल अकाउंट्स हैं,
ए का कैपिटल अकाउंट 2 लाख, बी 1,50,000, सी 1,50,000। और एसेट साइड हमें दे रखा कैश 37,000, सन्ड्री डेटर्स 44,000, स्टॉक 120,000, मशीनरी 1,59,000 एंड बिल्डिंग 2 लाख। सो दीज आर दी अकाउंट, वेरियस अकाउंट बैलेंसेस इन दी बैलेंस शीट। तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो हमारी चेंज हो गई 3:3:2 से लेके 4:3:2, ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इसमें हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करना है, और जो न्यू कैपिटल अकाउंट्स हैं पार्टनर्स के वो हमें कैलकुलेट करने हैं, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं हमें पार्टनर्स के, और जो जो बैलेंसेज निकल के आएंगे वो सारे हमें जो नई बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे उसमें हमें बैलेंसेज चेंज करके डालने हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। पुरानी रेशियो 3:3:2, न्यू रेशियो 4:3:2। सेक्रीफाइस ऑफ ए, ए का सेक्रीफाइस कितना है 3/8 माइनस 4/9, यानी कि 7। ए को इस केस में क्या हो रहा है 5/72 गेन हो रहा है, यानी कि इसको यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं, इसको यहाँ पे गेन हो रहा है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे बी, बी को हमें कितना गेन है सेक्रीफाइस हुआ, सेक्रीफाइस ऑफ बी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका क्या था शेयर 3/8 इक्वल टू जितना ए का था उतना ही बी का था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितना हुआ 3/9। थ्री बाय 72 बी को सेक्रीफाइस करना पड़ा इस केस में। सी को देखते हैं हम, सी को जो है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको 2/8 पार्ट मिलता था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको कितना मिला 2/9 पार्ट। यानी कि ए को गेन हो रहा 5/72 और सेक्रीफाइस कर रहे हैं बी और सी मिलके, बी कर रहा 3/72 और सी कर रहा है 2/72। ठीक है, इस केस में हमें जनरल रिजर्व गिवन है 36,000। तो जनरल रिजर्व को कैसे मतलब कैलकुलेट करके हमें जितना जितना इनका पार्ट ये इनका जितना सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनका सेक्रीफाइस रेशो, ए का सेक्रीफाइस, ए का गेन रेशो था, एज गेन वॉज 5/72, बी का सेक्रीफाइस और सी का सेक्रीफाइस सी सेक्रीफाइस 2/72। सबसे पहले हम जनरल रिजर्व की अगर हम बात करें तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, ए को गेन कितना हुआ 5/72, यानी कि उसको 5/72 पार्ट जो है जनरल रिजर्व का उसको बी ओ सी को देना पड़ेगा 36,000 का। अगर हम 5/72 पार्ट करें तो कितना होगा, ट्वेंटी फाइव हंड्रेड,
यानी कि ए को 2500 अमाउंट देना होगा बी को और सी को इन द रेशियो ऑफ देयर सेक्रीफाइस, यानी कि उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है 3:2। अगर हम 25 को 3:2 रेशियो में डिवाइड करें तो कितना अमाउंट निकल के आया, 1500 और 1000। 1500 मिलेगा बी को और 1000 मिलेगा सी को इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, तो जनरल रिजर्व की अगर हम बात करें तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी, एज अकाउंट एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, यानी कि ए का जो कैपिटल अकाउंट हो 2500 से डेबिट होगा और बी का जो कैपिटल अकाउंट हो क्रेडिट होगा 1500 से और सी का क्रेडिट होगा 1000 रुपये से। इस तरह से हम इस चीज़ की अकाउंटिंग एंट्री करें। अब हम देखते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू करने की एंट्रीज क्या क्या होंगी। सबसे पहले देखा स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,10,000, यानी कि स्टॉक की जो न्यू वैल्यू है वो 1,10,000 है। पुरानी वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो स्टॉक की वैल्यू 1,20,000 है। तो इस केस में क्या हुआ, स्टॉक की जो पहले वैल्यू थी वो ज़्यादा थी, अब जो नई वैल्यू है वो कम है, यानी कि स्टॉक की वैल्यू घटकर 1,10,000 हुई। तो हमें स्टॉक की वैल्यू में कितनी गिरावट आई, 10,000। इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ, डेबिट होगा इस केस में। अगर हम एंट्री पास करें तो किस तरह की एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। हम एंट्रीज को कंबाइन कर देते हैं ताकि हमें इजी रहे। सबसे पहले स्टॉक कितने से गिरा, 10,000 से, ठीक है। दूसरा मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, यानी कि मशीनरी 10% से डेप्रिशिएट की। 1,59,000 का 10% अगर हम करें तो 15,900 टू मशीनरी 15,900। प्रोविजंस ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजंस ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स क्या होते हैं, हम प्रोविजंस बना लेते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कोई डिफॉल्ट हो डेब्ट्स पेमेंट में, यानी कोई डेटर अगर हमें पे नहीं करता तो उस केस में हम रिजर्व बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोविजंस ऑफ डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स जो हमारा वो 5% हमने क्रिएट किया, यानी कि एक तरह से एक्सपेंस है। एसेट्स को हमने रिवैल्यू किया, जो संडी डेटर्स हमारे 44,000 से, वो उसमें से हम 5% प्रोविजन बनाते हैं डाउटफुल डेट के लिए। जब 5% इसमें से प्रोविजन बनेगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इट वुड बी 2,200। ओके, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5%, दैट इज 2,200, ठीक है। तो ये तीन हमारे एक्सपेंस हैं और जिसके लिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया। अब कितने से डेबिट करेंगे, इन तीनों को हम कैलकुलेट करते, इनका सम करते और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। ये हुआ हमारा ट्वेंटी, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने 28,100 से डेबिट किया। वैल्यू ऑफ एसेट्स रिड्यूस्ड। अब बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, यानी कि बिल्डिंग की जो वैल्यू पहले 2,00,000 रुपये थी उसकी वैल्यू अब बढ़कर 20% और ज़्यादा हो गई, यानी कि इसका 20% कितना होगा, 2,00,000 का 20% होगा 40,000, यानी कि 40,000 जो रुपए हैं उसका बिल्डिंग में एप्रिशिएशन हुआ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट डेबिट कितने से डेबिट करेंगे हम इसको, 40,000 से, यानी कि जब भी हमारी एसेट्स में वैल्यू इंक्रीज होती तो हम एसेट्स को डेबिट करते हैं। अगला, लाइबिलिटी ऑफ 2,500 इन सन्ड्री क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू अराइज, यानी कि 2,500 रुपये के ऐसे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने हमें, जिनको हमें पैसे देने हैं लेकिन वो 2,500 अब हमें नहीं देने, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो क्रेडिटर्स, जो लाइबिलिटीज थे हमारी, वो रिड्यूस हो गई,
जब हमारी लाइबिलिटीज रिड्यूस होती हैं तो क्या होता है, हम उसको डेबिट कर देते हैं। कितने से? 2500 से। हमने इन दो चीजों को डेबिट किया, अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं टू अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे कितने से? 42,500 से। ठीक है, सो दिस आर द एंट्री, जनरल एंट्रीज दैट वी हैव मेड फॉर रिवैल्यूइंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब तीसरी जो तीसरी हमारी एंट्री होगी वो किस चीज़ की होगी, कि जितना भी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। इस केस में क्या हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 28,100 से, और क्रेडिट कितने से हुआ? 42,500 से। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें से हम इसको माइनस कर देते तो वो हमारा गेन होगा, और फिर उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट से कितना फ़ायदा हुआ, अगर 42,500 से में से हम 28,100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 14,400 का हमें गेन हुआ, जो कि हमें इन तीनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तीनों के कैपिटल अकाउंट में किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे, ओल्ड में, यानी कि 14,400 को हम 3:3:2 की रेशियो में इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शेयर करते हैं। तो अगर हम ए का शेयर निकालें तो कितना आएगा, 14,400 × 3/8, यानी कि 5400। ठीक है, ये भी 5400, ये भी 5400। ठीक है, और ये हमारा कितना आएगा सी का, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 3600। तो ये हमारा जो हमें गेन हुआ था वो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। दिस इज़ हाउ द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ क्लोज्ड। जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो सारे क्लोज कर दिए जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है इसका पर्पस ही यही होता है कि जो भी लॉस या जो भी गेन हो उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। यहाँ पे हमारा जो पर्पस था वो फुलफिल हो गया, कि ए के कैपिटल अकाउंट में 5400 ट्रांसफ़र करने हमें, बी के कैपिटल अकाउंट में 5400 और सी के कैपिटल में 3600 ट्रांसफ़र करना हम। और जब इतना हमारा काम हो गया, जो हमारी जनरल एंट्रीज पास हो चुकी हैं, तो हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तीनों पार्टनर्स का, ए बी एंड सी, इन तीनों का हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। उसमें हम ये वैल्यू, ये वाला कैपिटल बैलेंसेस डालेंगे, और जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस इनका इंक्रीज हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट की वजह से, उसको हम उसकी क्रेडिट उनके अकाउंट्स में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और जो जनरल रिजर्व वाला पार्ट था उसमें एक अकाउंट हमने डेबिट, एक अकाउंट हमने क्या किया था, ए जो था वो गेनिंग पार्टनर था, उसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे 2500 रुपये से, और बी और सी जो पार्टनर थे वो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर थे, और उनका अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे 1500 से और 1000 से रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। बैलेंस शीट में जितने भी ये अमाउंट हैं, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये हमारा चेंज हो गया, कितना हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे जो थे लाइबिलिटीज 2500 की, जो पहले 2500 की लाइबिलिटीज थी वो अब नहीं होगी, तो यानी कि ये हमारा चेंज होकर कम हो जाएगा, जो होगा हमारा 21,500। ठीक है, जनरल रिजर्व सेम रहेगा, कैपिटल अकाउंट्स चेंज हो जाएंगे तीनों के, क्योंकि ये वाला बैलेंस एड हुआ इनकी कैपिटल अकाउंट में से, और एक ही कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस जनरल रिजर्व का इसे ट्रांसफ़र करना है बीओसी का, तो एक ही कैपिटल से वो डिडक्ट होगा और बीओसी के में वो ऐड होगा। इस वजह से इन तीनों के जो कैपिटल अकाउंट हैं ये चेंज हो जाएंगे।
कैश हमारा सेम रहेगा। सन्ड्री डेटर्स जो हमारा, अगर हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, प्रोविजन हमारा डाउटफुल डेट्स का जो 5% है यानी कि 2200, इसमें से हम 2200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ द सन्ड्री डेटर्स आर ट्रीटेड। स्टॉक हमारा 110,000 का था तो हम यहाँ पे रिवाइज्ड वैल्यू लिखेंगे 110,000। मशीनरी जो हमारी 159,000 है वो क्या हुई थी, हमारी डेप्रिशिएट बाय 10%, यानी कि इसमें से 15,900 को हम डिडक्ट कर देंगे, जो हमारी मशीनरी की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। और बिल्डिंग, फाइनल बिल्डिंग जो हमारी, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हुई थी बाय 20%, यानी कि 40,000 अगर हम ऐड करेंगे बिल्डिंग की वैल्यू में तो जो हमारी नई वैल्यू निकल के आएगी उसको हम बैलेंस शीट में राइट करेंगे। सो दिस इज हाउ वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर्स। यहाँ जो तीनों के कैपिटल अकाउंट है इनका बैलेंसेस चेंज हो जाएगा यहाँ पे, और ये जितने भी एसेट्स या लायबिलिटीज हैं यहाँ पे इनका भी बैलेंस जो है वो चेंज होगा। तो इस तरह से जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है हमारे कैपिटल अकाउंट्स को, पार्टनरशिप के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को और जितने बाकी अकाउंट्स होते हैं एसेट्स या लायबिलिटीज उनको अफेक्ट करता है, और बैलेंस शीट का जो बैलेंस होता है वो भी चेंज हो जाता है। ओके।